हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि अगर आपके चेहरे पे कोई भी पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है और किसी भी तरह का ब्लेमिश है तो उसको आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है, उसको मैं करके आपको दिखाऊंगी। तो ये जानने से पहले सबसे पहले तो आप मेरे वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसको क्लिक कर दीजिए, उसके साथ एक बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है, मेरे चैनल को आप फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपने चेहरे से दाग धब्बे हटा सकते हैं। अच्छा, अगर आपको सेम एपिसोड इंग्लिश में देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, नीचे एक लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो मेरे एक और चैनल है शॉपिंग एंड मेकअप हैक्स, उसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे बताइए आपको वो एपिसोड कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे आप डार्क स्पॉट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी होम रेमेडी है एलोवेरा जेल, जिसके बारे में मैं कई वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आपको पता ही है एलोवेरा जेल कितना किफायती है। अगर आप मेरे व्यूवर हैं तो आप एक एलोवेरा जेल का प्लांट या फिर रेडीमेड एलोवेरा जेल आता है वो आप जरूर रखिए। अनगिनत फायदे हैं एलोवेरा जेल के। अब आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लेमिश और डार्क स्पॉट्स को कैसे हटा सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना है कि सिर्फ एक पी साइज का एलोवेरा जेल आपको लेना है और उसको चुटकी भर हल्दी में मिक्स करना है। उसके अंदर कुछ बूंदे आपको लेमन की मिलानी है, उसको मिक्स कर दीजिए, पेस्ट बनाइए, अपने पूरे फेस पे लगा लीजिए। अगर आप रात भर छोड़ेंगे तो बेस्ट वर्क करेगा। रात भर नहीं छोड़ना चाहते तो दिन में अगर आप टीवी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, खाली बैठे हैं तो भी लगा करके 20 मिनट से लेकर के एक घंटे के ड्यूरेशन में जितना ज्यादा देर तक आप अपने चेहरे पे रखेंगे अच्छा रहेगा। रखिए कम से कम 20 मिनट तो जरूर रखिए, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। उसके बाद अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए नॉर्मल वाटर से। अब आप चेहरा वॉश करेंगे तो आपको आपका चेहरा पीला नजर आएगा, तो आप ये मत सोचें कि आपका चेहरा पीला हो गया है, क्योंकि हल्दी हमने यूज किया तो पीला हो जाता है। तो फिर कुछ देर वेट कीजिए, एक आध घंटा बीत जाने दीजिए, पीला चेहरा रहने दीजिए। एक आध घंटे बाद आप अपना फेस वॉश से वॉश कर सकते हैं, या जो भी रेगुलर चीज जो आप यूज करते हैं फेस वॉश के लिए वो आप यूज कीजिए और अपना फेस वॉश कर लीजिए उससे। अब आप अपना फेस वॉश करेंगे तो आप कंपेयर करके देखिए आपका पहले चेहरा कैसे था और उसके बाद चेहरा कैसे रहा। एक टोन लाइट कर देगा आपका ये शेड इंस्टेंटली। ये आपको डेली करना है। अगर आप डेली ट्राई करेंगे तो विद इन अ मंथ आपको ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा आपके कलर पे। फेस का जो कलर है, आपका जो नेचुरल कलर था पहले, वो अब रिकवर होने लग जाएगा। जितना भी सनबर्न आपके स्किन पे हुआ है उसको रिकवर करेगा। डर्ट, डस्ट, क्राइम, पॉल्यूशन की वजह से जितना भी आपके चेहरे पे दाग धब्बे बढ़ गए हैं, आप अपना कलर खो चुके हैं, तो आपके पुराने कलर को ये वापस लाने में आपकी बहुत हद तक हेल्प करेगा। और अगर आपका स्किन टोन डार्क भी है तो एक दो तीन शेड आपके कलर को लाइट भी करेगा इंस्टेंटली। एक महीना आप इस होम रेमेडी को ट्राई करके देखिए और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना आपने ट्राई किया तो आपको कैसा लगा। मैंने इसको डेली ट्राई करना स्टार्ट कर दिया और मैंने काफी फर्क देखा है। आई एम श्योर आपको भी फर्क नजर आएगा। एलोवेरा जेल में बहुत सारे गुण होते हैं, उसके बारे में अगर मैं बोलना शुरू करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। टर्मरिक, हल्दी है ही गुणों से भरपूर। एक एक चीजों के गुडनेस के बारे में मैं नहीं बात कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप बस आग मत करके मैं आपको जो इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ उसको फॉलो करिए। और आपको पता ही है मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, हर चीज मैंने अप्लाई कर रखी होती है खुद के ऊपर तब मैं आपको बोलती हूँ। तो मैंने अप्लाई किया है, मुझे अच्छा लगा है। हो सकता है आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, आपको हल्दी से एलर्जी हो या एलोवेरा जेल से एलर्जी हो, चांसेस इसके हैं। तो अगर आपको आप थोड़ा सा पैच लगा करके देखना चाहते हैं कहीं यू नो नेक पे या फेस के कहीं थोड़ा सा कॉर्नर पे थोड़ा सा पैच लगा के टेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कोई भी होम रेमेडी आप मेरे चैनल पे किसी और चैनल पे देखे तो सब आपके लिए भी उतनी ही इफेक्टिव हो, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मोस्टली पीपल के लिए इफेक्टिव हो। लेकिन कहीं आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और किसी चीज से आपको एलर्जी है तो वो एक्सेप्शनल पार्ट है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप ना करें अगर आपको लगता है एलोवेरा जेल या हल्दी से आपको एलर्जी है या लेमन से। और अगर आपको एलर्जी नहीं है, नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है लेकिन सेंसिटिव स्किन नहीं है, तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कीजिए, मुझे बताइए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और बेहतरीन एपिसोड में, तब तक।